अरे भाई ऐसा मत करो यार, हम लोग आ रहे हैं खाने के लिए आ रहे हैं। ठीक है बिलाल भाई, उधर सतार भाई, इस्माइल भाई आ रहा। ये तुम होंडा रोड बोलते कभी बोलते गाला बोलते, ये 2002 रियाल 800 दे के तुम हमको जलील कर रहे हैं। ये कैसा ताली है, बस ओनम ओनम बोलेगा, उसके बाद पूनम पूनम बोलेगा, ये ताली मैं दोबारा नहीं खाएगा। सतार भाई ऐसा ही खिलाएगा अपन तेरे को इंशाल्लाह, अभी बिल्कुल ऐसा कैसा ही। अच्छा भाई, आज जो हम खाना खाने जा रहे हैं ना, ये खाना साल में सिर्फ एक दफा बनता है। कैन यू बिलीव, एक साल में सिर्फ एक दफा। और ये इतना स्पेशल है कि इसके लिए शायद आपको एडवांस बुकिंग यकीनन करवानी पड़ती है, लेकिन एडवांस बुकिंग कराने के बावजूद भी बाज दफा ऐसा होता है कि शॉर्ट हो जाता है। सो आज हमारे साथ ऐसा ही हुआ कि हमारा खाना हो गया एक रेस्टोरेंट पे शॉर्ट, अब हम जा रहे हैं दूसरे रेस्टोरेंट पे और वहां हमें शायद ये मिल जाए। ये ओणम स्पेशल थाली, साउथ जो केरला है स्पेसिफिक पर्टिकुलरली इंडिया में, उसकी ये मशहूर डिश है और ये लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल को, और साल में एक ही दफा इस तरह की थाली बनाते हैं। उस थाली के अंदर क्या क्या होता है ये देख के आप भी हैरान हो जाएंगे और शायद मैं भी परेशान हो जाऊं। थाली लेने के लिए कोशिश चल रही है, कोशिश मतलब एक रेस्टोरेंट पे खत्म, दूसरे पे खत्म, तीसरे पे खत्म, अल्फोयर पे खत्म, गला पे खत्म, फोयर पे खत्म, अब रूवी की तरफ जा रहे हैं। तो ये आप हॉटनेस चेक करें, इसमें कितना हॉट आइटम है ये ले ले। तो नॉर्मल हालात में ये थाली जो है तकरीबन 1 रियाल 1 रियाल 500 तक मिल जाती है, लेकिन ओणम स्पेशल थाली है तो कोल्ड ड्रिंक ठंडा वंडा मिला के मेरा ख्याल है 3 साढ़े 3 4 रियाल तक का पड़ेगा हमें मामला। नो कोल्ड ड्रिंक नो ठंडा, ओनली ठंडा। तो नो कोल्ड ड्रिंक नो ठंडा, ओनली ठंडा। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, 3 रेस्टोरेंट्स की नाकामी के बाद हम चौथे रेस्टोरेंट पे आए इस वक्त होंडा रोड पे। कैन यू बिलीव, हम पिछले 1.5 घंटे से मुसलसल मस्कत के अंदर घूम रहे हैं और तकरीबन हमने खाने से ज्यादा तेल अपना जला दिया। इस्माइल भाई फाइनली हम आए, आपको क्या लगता है? अब तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस पे हमें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या बोलते हो आप? इतना मशक्कत ये पहाड़ पे जाने के लिए करता तो खुदा की कसम ऊपर चला जाता। ये भाई ओणम स्पेशल, माय गॉड। Oh yeah, rush. Hi. Nine to that? That was 9 to that. अगर उससे पहले हमें दे दिया इन्होंने तो फिर क्या होगा, फिर तो बलवा हो जाएगा। भैया इतना इंतजार करना पड़ रहा है आज की, बाकी कोई स्पेशल डिश है, मतलब बहुत ही कोई स्पेशल डिश है। 1.5 घंटा ट्रैवलिंग और तकरीबन 20 मिनट अभी होगा, देखते हैं मजीद कितना इंतजार करना है इस ओणम थाली को खाने के लिए। सत्तार भाई अपनी प्लेट को पूछते हुए ये स्माइल पे उल्टा बिछा लिया आपने, सीधा करो। अच्छा ऐसे सीधा। What is this? Beef. And this one? This one. And this one? Bhaji potato. Bhaji potato, dal. Dal. This is rice. This is chicken. Chicken. Okay, and this one? Sambar. Sambar, oh. White rice. So why there are different type of rice? And this one? Cabbage. Sweet. Spice some. And this one? Lunch. Okay. Kudu curry. And this is papad, we know this thing here. So this is all, okay. And these are sweet dishes. Payasam and uppam. Okay, good. Thank you. अच्छा ये सादा ही खाना है, इसके ऊपर कुछ और भी आएगा? नहीं, ये मोटा राइस है, स्पेशल राइस। ओके, इसके बाद पूरा आने की बात, अब इसके बाद पूरा एक 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 सब्जी डालेगा तब आप निकल लेंगे। क्या है ये, इसका नाम क्या? आलू बोलिए, कद्दू लौकी,
खदेला इरिशेई ओके इरिशेई है इरिशेई ये पापड़म कुट्टिया कुट्टिका हाँ ओके व्हाट इज इन दिस एक्चुअली लेंटल्स हम जो के लिए हाँ इट्स लेंटल राइट ये सप्ताह को मामे ये मिक्स है और ये पापड़म कुट्टी गाय पंचारी पूरी पुच्चू और मोटा चावल मोटा चावल मोटा सेट तुम इस सतार भाई हम खाना खा रहे हैं मलयालम में क्या बोलते हैं कौन सा दिगर छोटी घड़ी चंदूगढ़ी इतनी जो रश है वो मैंने या तो दाता दरबार के लंगर में देखी है या फिर ये आज स्पेशल ओनम थाली में देखी है मतलब इतनी रश ऐसे लाइन में लगे हुए लोग और स्पेशल और कोरोना के बावजूद जो है बहुत ज़्यादा मतलब हॉट आइटम है सता तुम्हारा खाना तो बड़ा फिट है भाई एक रेस्टोरेंट खोलेंगे हम तो ये चल रही है थाली ये क्या है कोंटाटा करेला है तो इस्माइल भाई 20 होंगी टोटल अभी कितनी हो गई डिशेस ये पानी डिश में इंक्लूड है या पानी 20 के अलावा पानी 20 के अलावा सो अभी हो गई है 1 2 3 4 5 6 7 बहुत टेस्टी है माशाल्लाह टेस्टी है ना मतलब जो हमने मेहनत की वो वसूल हो रही है सो अभी अभी बाकी 13 चीजें आना बाकी अभी 7 हुई है टोटल ये भाई आ गया नंबर 8 सांभर ये सांबर से पहले हमारे बंदों ने चावल ही खुटा दिए भाई चावल और लाओ सो बाहर रहने का ये फायदा है कि आप डिफरेंट कल्चर डिफरेंट फूड डिफरेंट जो है ट्रेडिशंस हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं मैं तो कम से कम करता हूँ क्योंकि मेरे लिए आपको पता है सब एक है मतलब सब भाई हैं सब प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए सो उसी के पेश नज़र आज हम साथ हैं और हम ये ओणम फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो है वो वैराइटीज़ ऑफ फूड और इसी का नाम जिंदगी है बेसिकली अपने आप को लिमिटेड मत करें खुश रहें आबाद रहें हंसे खेले कूदे और सारे कल्चर सारे फूड्स इंजॉय करें क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलनी है इसको अच्छे तरीके से खुश और खुर्रम रह के आबाद रह के इंजॉय करें सतार भाई इस्माइल भाई अल्लाह हाफिज़